पाकिस्तान के ग्रुप में भारत के अलावा आयरलैंड, यूएसए और कनाडा की टीमें भी हैं। पहला मैच पाकिस्तान का यूएसए से है, उधर यूएसए ने बांग्लादेश को 2-1 से हरा दिया है। पहले 2 मैचेस उन्होंने जीत लिए थे, तो आप यूएसए की टीम को भी बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, हर टीम को ही सीरियसली लेना पड़ेगा, बट पहला मैच आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यू नीड टू गेट योर एक्ट टुगेदर। पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि हम कितना टारगेट सेट करें सामने वाली टीम के लिए। दूसरी बैटिंग करते हैं तो एक छक्का मारा अगली बॉल पे, फिर छक्का मारने गए, आउट हो गए। अभी बॉलर आया है, अभी उसकी पहली बॉल है, उसको देख तो लो किस तरह की बॉलिंग कर रहा है, एकदम चिप मार के कवर्स में कैच दे दिया। मैं हेड टू हेड जरा देख रहा था, आप ये देखिए कि एक बारिश की नजर हुआ मैच, लेकिन उससे पहले 2022 से लेके अब तक, बल्कि सितंबर 2022 से लेके अब तक हम कोई मैच T20 में इंग्लैंड से नहीं जीत चुके हैं, दैट इज वेरी अलार्मिंग। हम लोग पहली बार यूएसए में खेलने जा रहे हैं, यूएसए की टीम ने जिस तरह अभी आपने बताया कि 2-1 बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीती, और हमारा अभी जो रिसेंट पास में T20 का रिकॉर्ड रहा है, अभी हम होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड की वीक टीम से 2 मैच हार गए, आयरलैंड से 1 मैच हार गए। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने 22 सितंबर 2022 के बाद से 200+ का टोटल नहीं किया, और उसके बाद से आप समझे कि 41 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। 41 मैचों में आपने पिछले कोई 200 नहीं किया है, तो बड़ी अलार्मिंग जिस तरह आप कह रहे सिचुएशन है। 16 तारीख को जो हमारा फ्लोरिडा में आयरलैंड के साथ मैच है, उसमें कह सकता हूँ कि थोड़ा सा खतरनाक मैच है, और 2007 में भी हमें आयरलैंड जमैका में जो है वो डिच कर चुकी है। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं 9 जून को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी एक मुश्किल आ रही है, एक बड़ी हर्डल आ रही है, वो है 6 जून पाकिस्तान वर्सेज यूएसए मैच। आपको लगता है कि ये भी एक अपसेट हो सकता है? या कुछ भी हो सकता है, अगर आपकी आयरलैंड की टीम आपसे मैच जीत सकती है, अगर आपके साथ जिम्बाब्वे की टीम ऑस्ट्रेलिया में आपके साथ मैच जीत सकती है, तो भैया अफगानिस्तान सीरीज हरा सकती है। वो हरा सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 जल्द ही शुरू होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफी डरा हुआ दिखाई दे रहा है। बताते चले कि पाकिस्तानी टीम का पहला मैच 6 जून को यूएसए के साथ है, और अब पाकिस्तानी मीडिया को डर सता रहा है कि कहीं यूएसए पाकिस्तान के साथ अपसेट ना कर दे। इसका मेन रीजन है कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत गंदी रही है, वहीं दूसरी तरफ यूएसए ने बांग्लादेश को 2-1 से सीरीज में मात दे दी है। कुल मिलाकर पाकिस्तानी मीडिया पहले भारत से डर रहा था, इसके बाद आयरलैंड से डर रहा था, और अब पाकिस्तानी मीडिया को यूएसए से भी डरना पड़ रहा है। इसके साथ साथ हम आपको यह बताते चले कि इस वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा अपसेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यह वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, जहां पर पहले नहीं हुआ है, यानी कि यूएसए में पहले कभी भी वर्ल्ड कप नहीं हुआ है, या क्रिकेट का इतना बड़ा टूर्नामेंट यूएसए में पहले ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, तो लोगों को पता नहीं है कि वहां की पिच किस तरीके का बिहेव करेगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैचेस को लेकर और क्या कहा है। तक सिर्फ पाकिस्तान की टीम ही नजर आ रही है जो अनसेटल है। आपको अभी ये नहीं पता आपने साइम के साथ जाना है नहीं जाना। साइम के पास बहुत टैलेंट है, मैं खुद बहुत उनकी तारीफ करता हूँ, सभी करते हैं, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब वक्त बहुत कम रह गया है, तो क्या अब आपको लगता है हमको उस्मान को ट्राई करना चाहिए, या वी शुड गो बैक टू द बाबर रिजवान पेयर, या फखर जमान को अब हम किसी तरह से फिर कन्विंस करें कि वो ओपन आ जाएं, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर नजर आ रहे हैं जो उस इंटेंट से खेल सकते हैं जो रिक्वायर्ड है। देखिए, मेरा ख्याल है कि यही डिफरेंस है एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड का और एक वीक क्रिकेट बोर्ड, जिसके मैनेजमेंट बार बार चेंज होती है, और फिर आगे क्रिकेट टीम की भी मैनेजमेंट इसमें चेंज हो जाती है, तो वो फैसला कर नहीं सकते। और फिर एट द नेक ऑफ द टाइम जब इतना बड़ा इवेंट आपके सर पे होता है, तो आपसे ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि आपके ओपनर्स कौन होंगे, वन डाउन कौन आएगा, और जो फिनिशर होंगे वो कौन होंगे। तो ये एक मेरा ख्याल है कि बड़ा एक लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इस तरह होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको काफी अच्छा पहले ये प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए थी। आपको बैक टू बैक सीरीज मिली, आपके पास आयरलैंड की सीरीज थी, वहां पर 4 मैचेस थे, आपके पास न्यूजीलैंड की सीरीज थी, 4 मैचेस वो थे, उससे पहले आपका जो न्यूजीलैंड का टूर था उस सीरीज में थे, तो आपको उस वक्त जितने भी आपके अच्छे यंगस्टर थे, या आप जो भी आप चीज ट्राई करना चाह रहे थे, तो आपको उन सीरीज में ट्राई आउट कर लेना चाहिए था। मगर अब एक वर्ल्ड कप हमारे सर पे है, हमारे प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे, हमारे ओपनर परफॉर्म नहीं कर रहे, हमारे फिनिशर गेम को फिनिश नहीं कर रहे, वही उनकी एवरेज है 15 रन, किसी की 11 रन, किसी की 12 रन,
और हम अभी सिर्फ एक मौजे के इंतजार में हैं कि शायद मौजा हो जाए, कार रन कर दे, शायद मौजा हो जाए, आजम खान चल जाए, शायद मौजा हो जाए तो उस्मान खान कुछ कर दे, शायद मौजा हो जाए तो आपका साहिब अयूब कुछ कर दे, तो इस तरह होता नहीं है। मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिश बोर्ड्स होते हैं उनको इस तरीके से लेकर नहीं चलना चाहिए। जब तक ये लोग सोचेंगे नहीं, अच्छा खेलने की कोशिश नहीं करेंगे, देखिए कोशिश करें, कॉम्बिनेशन बनाएं, अब नया इनके पास कोच है, कुछ ट्राई करें। पिछली बातों से कहते हैं हम गलतियों से सीखते हैं, इन्होंने आज तक कुछ गलती से सीखा? जितनी इन्होंने गलतियां की हैं पिछले दो ढाई साल में मुझे बताएं, वो तो वही 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 दोहराए जा रहे हैं वही गलतियां, किसने कुछ सीखा? लेकिन आपको क्या लगता है कि, मैं बार बार ये बात करता हूँ अपने अक्सर शोज में, कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसने पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज किया है। अभी मुसलसल ये साहिब अयूब को खिला रहे हैं, मुसलसल साहिब अयूब खेलता नजर आ रहा है, तब्दीली करने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान ही केवल एकमात्र ऐसी टीम है जो बिल्कुल भी सेटल नजर नहीं आती है। इसका मेन रीजन है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले साहिब अयूब को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी, लेकिन साहिब अयूब पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। अब हो सकता है कि यह जिम्मेदारी उस्मान खान को दी जा सकती है। बात करें आजम खान की, तो आजम खान भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सदाब खान बुरी तरीके से एक्सपोज और फ्लॉप हुए हैं, और ये सब प्लेयर पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हैं। इन्हीं सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया को डर सता रहा है कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप 2024 में वर्ल्ड कप 2023 की तरह ही ना हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत गंदी रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि पिछले 8-10 महीनों से जिस तरह पाकिस्तानी टीम परफॉर्म कर रही है, तो एक अपसेट तो बनता ही है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम पहले भी जिम्बाब्वे, आयरलैंड और नीदरलैंड जैसी टीमों से हार चुकी है, और हो सकता है कि वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के साथ एक और अपसेट देखने को मिल सकता है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस किस तरीके से रहती है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।